हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 27, चैप्टर नंबर 14, एससी वर्मा। टू लार्ज प्लेट्स आर प्लेस्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर इन अ टैंक ऑफ वाटर विद सेपरेशन बिटवीन देम इक्वल टू 1 mm। फाइंड द राइज ऑफ वाटर इन बिटवीन द स्पेस। हेलो गाइस, वेलकम अगेन, आई एम मेंटर अनुराग। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। अब तक तो क्या था, ट्यूब लेते थे, ट्यूब को किस में डालते थे, वाटर में या मरकरी में। क्या पूछ लेते, हाइट ऑफ एसेंट या फिर हाइट ऑफ डिसेंट, कितना ऊपर गया या कितना ऊपर गया। फॉर्मूला लग जाता था एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था, लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है, आर कोई लेना देना ही नहीं है। रेडियस कहाँ से लेके आएंगे, क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स के बीच में रेडियस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ रेडियस क्या था, रेडियस ऑफ ट्यूब, तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा सिचुएशन अगर ध्यान से लो तो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखा हमसे। ठीक है, दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स के बीच में क्या हुआ, लिक्विड क्या हुआ, राइज हो गया। क्या हो गया, राइज ड्यू टू सरफेस टेंशन। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन। भैया सरफेस टेंशन क्या करती है, सरफेस टेंशन क्या लगाती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स और लेंथ के बीच में कितना, दैट विल बी 90 वाला एंगल। सही है, तो ध्यान से सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अगर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको रिटेन है, दैट विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो लेंथ कौन से वाली, ये वाली फोर्स, ये लेंथ ये। ठीक है, तो ध्यान से फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पानी तो क्या चढ़ रहा है, पूरी लेंथ के लोग चढ़ रहा है ना, यहाँ पे तो नहीं चढ़ रहा, किनारे पे तो नहीं है, पूरी दोनों प्लेटों के बीच में है। अगर प्लेट की लेंथ कितनी है दोनों प्लेटों के बीच में, दैट विल बी प्लेट्स की टोटल लेंथ एल। ठीक है, तो क्या होने वाला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लग के क्या होगा, सरफेस टेंशन। सही है, ओके, दैट इज द फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन कहाँ पे है, दो जगह, एक यहाँ पर और एक पीछे, मतलब यहाँ भी एयर के कॉन्टैक्ट में और वहाँ भी एयर के कॉन्टैक्ट में है, तो कितने सरफेस हो गए, दो सरफेस हो गए। ठीक है, तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू 2 सिग्मा एल, एक फोर्स का फॉर्मूला ये बन गया। ये फोर्स कहाँ लेके जा रही है, लिक्विड को ऊपर, लिक्विड का वेट कहाँ लग रहा है, नीचे, तो इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स। ठीक है, तो नीचे वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, दैट विल बी पानी का mg। ठीक है, क्या हुआ, नीचे की तरफ mg। सही है, तो एक फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर है, mg के बराबर, दोनों को इक्वेट करता हूँ तो 2 सिग्मा मल्टीप्लाई में एल, ओके, दैट इज इसके बराबर, mg के बराबर। ठीक है, दैट इज द थिंग, ओके। अब क्या बचा मेरे पास, मास, किसका मास, लिक्विड का मास, लिक्विड के मास को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दैट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई में जी। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या है इसके अंदर, पानी का कितना वॉल्यूम अंदर है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, वॉल्यूम, लेंथ कितनी है इसकी, बड़ा एल। ठीक है, ब्रेथ कितनी है इसकी, दैट विल बी जितना प्लेट के बीच में गैप है, कितना गैप है बोला मैंने, डी। ठीक है, और हाइट कितनी बोली हुई है, एच, जितना वो राइज हुआ है, एंड क्या आ गया फाइनली, जी। अब क्या करना है, 2 सिग्मा एल इज इक्वल टू रो एल डी एच जी, एल से एल कट। ठीक है, क्या है, डी फोर तो बीच में गैप है, एच मुझे निकालना है, तो 2 सिग्मा डेंसिटी बीच में गैप मल्टीप्लाई में जी इज इक्वल टू हाइट राइज। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, सही है, तो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई में 0.075, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, एंड डेंसिटी वाटर है 10 की पावर 3, गैप कितना, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को लिखते हैं 10 की पावर -3, एंड जी को मैं लिख सकता हूँ 10, चलो भैया कट, ओके, एंड 2 कितना हो गया, दैट विल बी 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट विल 75, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 75 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -1 एंड मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 150, 10 की पावर दैट विल बी -4, एक काटूँ तो दैट विल बी 10 की पावर -3, 15 × 10 की पावर -3 मीटर, सब कुछ ऐसा ही में था, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1.5 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ और 15 मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दो से टेबल हो, यू कैन गो विद दैट, है तो यूनिट सी। ठीक है, तो दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान से, बेसिक फंडा ही यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग, और सही है,
ठीक है, इसको आप क्या हो सकता है, क्वेश्चन इसका मॉड्यूल भी हो सकता है कि दो प्लेट्स हैं उनके बीच में लिक्विड है और इनको सेपरेट करना है, क्या करना है सेपरेट, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करने वाले हो, तो सेपरेशन के लिए जो फोर्स लगने वाली है उसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी 2a σ / d, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ द फिल्म, क्या है एरिया ऑफ द फिल्म, ठीक है। तो आपका यहाँ से वो क्वेश्चन हो जाएगा, दैट विल बी, ठीक है। वो कब यूज़ करना है आपको, दैट विल जब सेपरेशन का केस दे, बाकी आपका ये काम चल गया, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ थैंक यू।